खोसोली का उपचुनाव कल समाप्त हो चुका है। वहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी जी चुनाव में थी। उनके जो पति हैं विक्रम सैनी जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह का माहौल है, कैसे वो चुनाव रहा। जी विधायक जी, कल उपचुनाव हुआ तो क्या स्थिति क्या रहा? स्थिति बढ़िया है, चुनाव जीत रहे हैं भाजपा प्रत्याशी श्रीमती राजकुमारी। अच्छी वोट से चुनाव जीतेगी, जनता ने वोट दिया है। अच्छा, जो गठबंधन प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनको बार बार ये तरह कहने का आरोप है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ करी है, ये करी है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जिसे अपनी हार दिखाई देती है तो वो आरोप लगाता ही, और पता चल जाएगा अगर गड़बड़ हुई होगी तो उसे तो एक भी वोट नहीं मिली होगी, तो जीरो रहा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मशीनों में कोई गड़बड़ हमें तो कोई शिकायत मिली नहीं। अच्छा विधायक जी, एक चीज़ बताइए, अब की बार जो परसेंटेज हुआ है वो 56 पॉइंट कुछ हुआ है, पिछली बार ज़्यादा हुआ था, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा नुकसान मिलेगा? नहीं, नफ़ा नुकसान कुछ भी नहीं, क्योंकि सभी का ही हुआ है। जो लोकदल के वोटर थे उन्हें उनका भी कम हुआ है। उपचुनाव में उत्साह नहीं होता, लेकिन फिर भी और जगह से ज़्यादा यहाँ पर वोट हुआ है। 56% का वोट हुआ है, 56.5%, और रामपुर में तो 30-35% रह गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद है कि जीत हमारी निश्चित है? हाँ, जीत निश्चित है, गारंटी से। तो ये थे विधायक विक्रम सैनी जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि उपचुनाव में उत्साह कम होता है, भले ही परसेंटेज कम हुई हो, जीत हमारी ही निश्चित होगी। अभिषेक बेनीवाल, एबीपी गंगा, मुजफ्फरनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।